दिखाने वाली हूँ करेले का फ्राई। अभी ये सुन के सब लोग ई करेंगे कि करेले का फ्राई, अरे बाप रे। बट ये जो फ्राई आप करोगे वो इवन बच्चों को भी पसंद आएगा। ये केरला स्टाइल में मैं बना रही हूँ, और उसके लिए मैंने क्या किया कि इसको पहले सबसे पहले मैंने भिगो पानी से, पानी में काफ़ी देर रखा, और इसे पतला काटा है। इसे देखिए अब मैं क्या करूँगी, तेल गरम किया हुआ है, तेल गरम करके मैं उस पर ये जो नारियल है, ऐसे मैंने छोटे छोटे नारियल काटे, गिल्ला नारियल, उसे डालूँगी। करी पत्ता डालूँगी, अब मैं इसमें करी पत्ता डालूँगी, कांदा मैंने ऐसे लंबे लंबे काटे, लंबे लंबे काटना है, और मैंने मिर्ची भी ऐसे लंबे तरह से काटे थे। ये तब तक सॉफ्ट करूँगी मैं जब तक ये लाइट ब्राउनिश नहीं होता है। और जब भी इसको, हाँ सबको पता है ये टिप कि अगर ओनियन जल्दी करना है तो नमक डालना है, तो नमक डाल देंगे तो जल्दी हो जाता है, तो मैं इसमें नमक डालूँगी ताकि मेरा ओनियन जल्दी से ब्राउनिश हो जाए। ब्राउनिश हो गया, और मैं इसमें थोड़ा सा, ये ऑप्शन है, मैं डालती हूँ थोड़ा कलर के लिए लाल मिर्च डालूँगी। 1/4 टेबल स्पून हल्दी डालूँगी, इसे 2 मिनट जरा घुमा लूँगी ताकि जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए। अब इसके ऊपर मैं करेला डालूँगी, डाल दिया मैंने करीब 4 करेले लिए थे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैं इसे मिक्स, मतलब करेला और मिर्च मसाले एक साथ मिल जाए। अब मिक्स होते देखिए, मैं क्या करूँगी इसमें स्लाइटली थोड़ा सा पानी डालना, ये भी करते हैं बहुत कम करते हैं, स्लाइट डालना है और इसे कवर करके रखना है इस तरह से। माउंटेन इसे पहाड़ बना के ढक्कन में बंद करना है, और हर बीच बीच में इसे देखते भी रहना है ताकि वो पके, खराब ना हो। कर दिए, अब इसे आपको बीच बीच में देखना भी है कि वो खराब नहीं हो रहा है, मतलब जल नहीं रहा है, पकड़ नहीं रहा है नीचे। आप देख सकते हैं मेरा करेला फ्राई हो गया, और इसे मैं सर्विंग प्लेट में सर्व करूँगी। देख सकते हैं मेरा करेला फ्राई रेडी हो गया। इसमें मैंने लाल कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाला है, इसलिए थोड़ा सा रेडिश कलर टाइप है, ये ब्लैकिश नहीं है, रेडिश है। तो इसमें अगर आप नहीं डालना चाहते तो हरा मिर्च भी डाल सकते, तो मुझे थोड़ा फीका कलरनेस नहीं लगता है, इसके लिए मैंने इस तरह से बनाया। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी आप मुझे बताइए कि मेरा करेला फ्राई कैसा लगा। थैंक यू।